शंकर हुआ गौरी शंकर गए बाबा भावुक हो गए। तो चलते हैं, राम जी का दरबार लगा हुआ है, हम दरबार की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितना खूबसूरती से दरबार जो है ना सजा हुआ है और पुरोहित लोग जो है ना वहाँ पर विराजमान है। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दरबार लगा है भगवान का, ये किस उपलक्ष्य में लगा है, हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर दरबार कितना सुंदर और कितना शोभनीय और सुंदर सजा हुआ है दरबार। जैसे लगता है कि सारे भगवान साल के पहले दिन यहाँ पर विराजमान आ गए हैं पूरे समाज के कल्याण के लिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर भगवान का ये दरबार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो खूबसूरती से जिन कलाकार ने सजाया है, इस सजावट को भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से यहाँ पर सजावट हुई है। और हमारे पुरोहित गण यहाँ पर मौजूद है, अब हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये साल के स्टार्टिंग में ये लोग क्या उपलक्ष्य रखते हैं, किसके कामना के लिए रखते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूजनीय गुरुजी, हमारा नाम हुआ आचार्य पंडित सीतेश कुमार झा, नए साल के शुभ अवसर पर, नए साल के पहले दिन पर इस न्यूज़ बिहार एनी टाइम में आपका स्वागत है। साल 2024 के आगमन पर सभी को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। इस साल के आगमन पर सभी को, सब लोग स्वस्थ रहें, भागवत प्रेमी हो और संकीर्तन से सब जुड़ा रहे, नाम कीर्तन से जुड़े रहे। इसके लिए, क्योंकि जब तक यह नहीं करेंगे तब तक इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण नहीं होगा। और यही एक मार्ग है, भक्ति मार्ग, जिससे आगे चल के जो संस्कृत प्रथा जो लुप्त होते जा रही है उसको पुनरुत्थान होगा। जब पुनरुत्थान होगा तो इस धरती पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, यह प्राप्त होगा। तो बाबा का कहना है कि ये जो शुरुआती में जो पूजन रखा जाता है समाज के कल्याण के लिए, अब हम एक और आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूजन अर्चना हुई है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान के सानिध्य में अश्वजाम महायज्ञ बहुत दिनों से होते आया है और आज भी यह बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। हमारा नाम हुआ अनीश कुमार झा जी, और विगत 12 वर्षों से यह पूजन का कार्यक्रम अष्टजाम होते हुए आ रहा है। और महादेव पोखर पर भोलेनाथ जी का नाम ही है मनोकामना पूर्ण गौरी शंकर भगवान, सभी कष्टों को दूर करने वाले भोलेनाथ जी का, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, सर्व कष्टों को हरने वाले और सर्व दुखों को दूर करने वाले, सर्व मनोकामना को पूर्ण करने वाले भोलेनाथ जी के दरबार में अष्टजाम हर साल करने के पीछे यही उद्देश्य है कि सभी लोग खुश रहे, आनंद रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। भक्ति में भोलेनाथ जी का, सभी देवी देवताओं का सानिध्य मिले। देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हजारों साल पहले भी यह लिख चुके थे कि युग केवल नाम आधारा, ठीक है, सतयुग त्रेता द्वापर ये सब थे, इसमें जप तप नियम व्रत धर्म सब लोग करते थे। कलयुग में ये बहुत मुश्किल है, इसलिए एक घड़ी आधी से पुनियाद, 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट और उससे भी न हो तो भगवान, क्योंकि संतों का काम है परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीर्णम, सभी का कष्ट दूर हो, सभी लोग निरोग रहे। तो इसी कारण बस उन लोगों का ये कहना है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म समय में भी हम अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। इस भगवत भजन से देश विदेश गांव समाज सबका कल्याण कर सकते हैं। तो यही सब सोच करके सभी ग्रामवासियों के सहयोग से और विगत 12 वर्षों से सभी ग्रामवासियों के साथ साथ दूर से आए हुए बहुत सारे भक्तों के सहयोग से यह कार्यक्रम खुशी और तन मन धन से संपन्न होता है। और भोलेनाथ जी के चरणों में बारंबार यही प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग खुश रहे, आनंद रहे,
स्वस्थ रहे, निरोग रहे। और ये जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो 2024 है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में सभी धर्म का सुस्वागत है, हम लोग मान सम्मान करते हैं, तो ये 2024 का जो आगमन है और पहला दिन सभी आचार्य, सभी संत, सभी ग्रामवासियों के तरफ से पूरे भारतवासियों को, देश विदेश सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम सब मिल करके, कि सब लोग का मनोकामना पूर्ण हो, सब लोग खुश रहे, सब लोग आनंद रहे। और इसका एक ही जरिया है, कलयुग केवल नाम आधार, भगवान का भजन कीर्तन ही सभी कष्टों को दूर कर सकता है। और ये जो अष्टयाम है, हम लोगों को एक ऐसा मानसरोवर, ऐसा समुद्र के नज़दीक भक्तिमय आनंद करने का मौका मिलता है, जिससे दूर दूर से आए हुए विद्वानजनों, भाई बहन, माता पिता सब लोग इकट्ठे होते हैं, और सब लोग मिल करके जो इतने समय हम लोग व्यतीत करते हैं यहाँ, जो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको ललायत रहते हैं कि हम वहाँ जाएं और उनका दर्शन करें, लेकिन कहा जाता है रोगी, वृद्ध और बच्चा, ये सब लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, अष्टयाम का मतलब ही होता है जो लोग जहाँ है वहीं से उनके कानों में सुनाई दे रहा है, कृत्वा श्रुत्वा दुष्ट्वा, देख करके भी उतना ही फल, जग कराने वाले को ही उतना ही फल, जग करने वाले को ही उतना फल। और ये जो मंत्र उच्चारण होता है, ये जो ध्वनि उच्चारण होता है, जो जो लोग जहाँ से सुन रहे हैं उनको भी उतना ही फल मिलता है। और यही कारण है कि ग्राम समाज सब में यह अनुष्ठान होना चाहिए और होता ही रहता है, और सब लोगों का सहयोग मिलता रहता है, चाहे तन हो, मन हो, धन हो। और यही कारण है कि इस कलयुग में एकत्रित होकर के, क्योंकि देखिए सभी लोग जब यहाँ इकट्ठे होते हैं ना, तो उनका मन भक्तिमय होता है, आनंदमय होता है, और कण कण, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कण कण जोड़ने से पर्वत खड़ा होता है। उसी तरह से जितने लोग आए हैं, हो सकता है कि इनको किन्हों को शरीर अस्वस्थ है तो मन से ही भगवान का नाम सुन रहे हैं, मन से ही ले रहे हैं, जो शरीर से अस्वस्थ है वो ताली बजा करके मृदंग हारमोनियम ढोलक से कर रहे हैं, जिनका अवस्था हो ऐसा हो गया कि ताली भी बजा नहीं रहे, बजा भी नहीं, सुन भी नहीं रहे, तो जहाँ है वैसे नैनों से भगवान को देख रहे हैं कि भगवान आपने हमको जैसा बनाया है, जिस रूप में बनाया है, जैसे हम सक्षम हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई इच्छा नहीं है आपसे कुछ मांगने का, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे रामचंद्र जी, हे हनुमान जी, हमको आप इस योग्य बनाए कि हम आपके चरणों में, आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में निरंतर जुड़े रहें, और हमारा ध्यान थोड़ा भी आपसे, आपके सेवा से दूर ना हो, क्योंकि इस जगत में अपना कल्याण करना कोई बड़ी बात नहीं है, अपना सुख भोगना कोई बड़ी बात नहीं है, धन संपदा हर चीज़ आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य परोपकार है, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरे के परोपकार के लिए, चाहे 84 लाख योनि में जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, सबके लिए जब भला सोचते हैं, सबके लिए जब हम अच्छा सोचते हैं, सबके लिए जब हम कल्याण के लिए सोचते हैं, तो ये सत्संग, ये अष्टयाम, ये ध्वनि, ये संकीर्तन ही ऐसा मार्ग है जो सबको एक साथ मानसरोवर में, एक साथ एक लहर में, आनंदमय लहर में, खुशमय लहर में सबको प्रफुल्लित करता है। इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जो सदा के लिए आपको आनंद दे सके, सिर्फ भगवत भजन के सिवा। एक भगवत भजन ही ऐसा है, एक संकीर्तन ही ऐसा है जो अनंत काल तक आपको आनंद में रख सकता है, सबको प्रसन्न रख सकता है, सबको कल्याणकारी बना सकता है और सबका दुख दूर कर सकता है। इसलिए सभी विद्वान जने यहाँ पे हैं, हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम यही आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सब लोग आनंदमय रहे, खुशमय रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो और भगवान के भक्ति में लगे रहें। और लास्ट में हम यही करेंगे, नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः,
शिवाय च शिवतराय च। मृत्युंजय महादेव ताहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म वंदने। नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। एक गुरुवर जी से अनुरोध है, देखिए 10 दिन से काशी में थे और जैसे ही इन्होंने सुना कि भाई इतना अच्छा जो संकीर्तन अष्टयाम का प्रोग्राम विगत 12 वर्षों से हो रहा है, तो हमारे गुरुजी अभी काशी में 10 दिन से शिव महापुराण कथा करवा रहे थे और जैसे ही मालूम चला वो यहाँ पे आए और कल सुबह ही निकल जाएंगे। और विशेष तो नहीं कहना चाहते हैं, कल सुबह ही मुकेश अम्बानी, धीरू भाई अम्बानी के विषय में जानते ही हैं, उनके यहाँ प्रोग्राम है। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट भी किया कि आप थोड़ा देर के लिए चलिए, हम लोग को आशीर्वाद मिले। तो बहुत हम लोग का बहुत सौभाग्य की बात है कि आए हुए हैं, तो विशेष हम बात नहीं करना चाहेंगे, हम तो भाव मुक्त हो भाव विभोर हो जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं गुरुदेव जी थोड़ा और अपने शब्दों में हम लोग को भक्ति में। तो चलते हैं गुरु जी की तरफ और गुरु जी से बस एक थोड़ा सा क्षण लेने की कोशिश हम करेंगे कि ताकि कुछ आशीर्वाद इन जनता लोगों को भी मिले और शुभकामना पूरे समाज को मिले। पूरे समाज को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, यही उद्देश्य लेकर चलते हैं। आइए भगवान का हम तो जयकार कर लें। बोलिए एक ही नारा एक ही नाम जय सिया राम जय सिया राम। एक ही नारा एक ही नाम जय सिया राम जय सिया राम। एक ही नारा एक ही नाम जय सिया राम जय सिया राम। एक ही नारा एक ही नाम जय सिया राम जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूज्य गुरु इस चैनल पे आए और आगे एक और गुरु जी से हम थोड़ा क्षण लेंगे कि आप भी जो है ना कुछ दो शब्द कहें। और आपसे सिर्फ यही विनती है और यही आग्रह है कि गौरी शंकर जी के बारे में आप दो शब्द हमको कहें। अरे गांव में मनोकामना पूर्ण गौरी शंकर भगवान है, सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करते हैं, इसीलिए यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और हम सब ग्रामवासी भी भगवान के शरण में रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए गौरी शंकर भगवान कहा गया है कि देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं, तो वह सभी के कष्टों को दूर करते हैं। इनका जो कृपा है अपरंपार है, सभी भक्तों पर बरसता रहता है, सभी भक्त इनकी कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाते रहते हैं। आप हर वर्ष जो है ना पूजा अर्चना यहाँ पर करवाते हैं, आप उस विषय में कुछ कहना। यह जो यज्ञ है जन कल्याण के लिए है और इसका प्रथम श्रेय पहले हमारे पंडित कुमोद रंजन झा जी को जाता है, जो बीते 12 वर्ष पहले उन्होंने इसका विचार समाज के बीच में रखे और इसको प्रारंभ किए और आज भगवान की कृपा है कि उन्हीं के सौजन्य से और पूरे ग्रामवासी पूरे समाज के सहयोग से यह यज्ञ जो है 12 वर्षों से सफल होते आया है और यही कारण है कि हमारे गांव में सभी लोग सुखी संपन्न शांति से रहते हैं, भगवान की कृपा है और इसका श्रेय हमारे कुमोद रंजन झा जी को जाता है कि उन्हीं का यह पहला विचार हुआ था। पर संजीत कुमार झा नाम हुआ मेरा जी। हाँ, बहुत दिनों से शौक था, 12 वर्ष से इसमें हम भी लगे हुए हैं। हाँ, तो इस बार बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको मौका मिला पूजा पर बैठने का। 12 वर्षों से हम सोच रहे थे कि हमको मौका मिले, लेकिन इस बार राम जी आ रहे हैं भारत में अयोध्या में, तो हम लोग अगना बाहर के पहले यहाँ बुलाए हैं, इसके बाद आगे फिर अयोध्या जाएंगे। हाँ, विशेष क्या कारण है, सब समाज में तो लोग आइए, सब लोग सहयोग करता है, सब लोग आता है, हिम्मत देता है, सब कुछ से लोग करता है यहाँ, और बड़े अच्छे से इस बार और धूमधाम से हुआ और समाज का
रहेगा तो और अच्छे अगले वर्ष इससे भी अच्छा होगा। और सब तो सब आप आए, आपका चैनल यहाँ आया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं और मंदिर की तरफ, और गौरी शंकर भगवान मंदिर हैं। अब उस मंदिर को हम देखना चाहेंगे, अपने चैनल के माध्यम से श्रोतागण को दिखाना चाहेंगे कि ये मंदिर ऐसा है जहाँ पर गौरी और शंकर माने भगवान एक ही जगह पर दोनों मौजूद हैं। तो इस चैनल से हम दिखाना चाहेंगे श्रोतागण को कि आप इस चैनल से देख सकते हैं कि ऐसा मंदिर देखने को बहुत कम ही मिलता है कहीं पर, जो ये मंदिर विराजमान है हमारे बहलवारा रूपनाथ उत्तरी पंचायत में। और मैं एंकर सूरज कुमार न्यूज़ बिहार एनी टाइम से तमाम श्रोतागण को नव वर्ष की शुभकामनाएं, और पंचायत में जितने भी मौजूद जनतागण हैं, हमारे छोटे भाई हैं, बड़े बड़े भाई हैं, उन तमाम सभी लोगों को नव वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमारे समाज सेवक हैं, अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो पूजा अर्चना हुई है इनमें इनका कितना यश भागीदारी रहा। सर अपना नाम बताएंगे? संजय मिश्रा। संजय मिश्रा, ये जो पूजा अर्चना हुई है इसमें कहाँ तक सर आपका जो है ना भागीदारी है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हम लोग तो मिल के यहाँ समाज के साथ काम कर रहे हैं। तो मंदिर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं गौरी शंकर भगवान, भोलेनाथ, महादेव पोखर, यहाँ देख सकते हैं ये मंदिर एक ही जगह पर दोनों मौजूद हैं, दोनों लोग मौजूद हैं। और ये मंदिर बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलता है। मेरे जितने भी श्रोतागण हैं वो भोले शंकर, गौरी शंकर, महादेव का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। बाबा अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम गंगा है। बाबा ये कितने सालों से यहाँ पर पूजा अर्चना होते रहता है? पूजा अर्चना जब से ये पोखरी से उखरे, पोखरी खाने समय निकले, और उस समय से इनका पूजा पाठ सहारण हो रहा था। और जब साथ में हमारा कुछ ही हुआ तो हम इनको फट्ठी उठी से घेर घार के इनको बन गया, और कुटा बिला के बचाने के लिए और पूजा हम अपनी शुरू किया। और उस समय से धीरे धीरे जब कुछ भर बीमारी के बाद ज़्यादा होने लगा तो कांवर के लोग मानने लगे, फिर उनका पूरा होने लगा तो कांवर चढ़ाने लगे, कांवर के फिर मेला लगने लगा सावन में। इसके बाद तो बीच में 50 वर्ष से मानस जग चल रहा है, 50 वर्ष से मानस जग, और इधर 7-8 वर्ष से ये फर्स्ट डे के एग्जाम भी शुरू हुआ है, लास्ट डे के होता है फर्स्ट डे के एग्जाम शुरू होने लगा है। बीच में लखावरी एग्जाम रुद्राभिषेक को आने को हो रहा था, महाजग हुआ, महाविष्णु जग हुआ, यहाँ शक्ति शक्ति जग हुआ, वगैरह वगैरह बहुत जग हो रहा था। लेकिन यह बहुत पूर्व का है जो इनको एल पी शाही आपको पहले विधायक नवल बाबू हो गए, लोग आ करके ये सर यहाँ शिक्षा मंत्री से नाम के लीटर सिंह, उन्होंने भी आ करके श्री बाबू के टाइम में शिक्षा मंत्री थे, वो भी आ करके इसको उधार करना चाहे, लेकिन कोई इस पर नहीं। इधर आके तो लवली मोहन कुआ के आशीर्वाद लेकर चला गया है ना, और तभी आज इस प्रकार से अभी कल अशोक जी आए हैं, चाहे उनका विशेष नहीं रहता है, इनसे हमेशा आते रहते हैं, कोई जगह होता तो चले आते हैं। तो इस प्रकार से लोगों में विश्वास जम गया है। इनका नाम है मन कामना गौरी शंकर भगवान, पूरे शरीर जो है वह शंकर का है, मुंह जो है पार्वती का है, जो मन जो है कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग धारंग सदा बसंतंग हृदय रविंदे भवन भवानी से, एक भवन में भवानी सहित बसे हुए हैं। और इनका जो है जो विशेष है, मीडिया वाला अभी तक प्रचार कभी नहीं किया,
और ना कोई इसको बढ़ाने का उपाय किया। ग्रामीण लोग इलाका क्या जिनको इनसे फल मिला है वो लोग इन पर विशेष रूप से ध्यान करते हैं। और बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे चैनल को इस बाबा के माध्यम से, जो ये पहली बार ऐसा महादेव पोखर गौरी शंकर भगवान जी का जो मंदिर है, ये पहला चैनल है जिसके माध्यम से ये प्रसारण होना है। बाबा, एक शब्द ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे कि ये मंदिर जो बना है ये कब से जो ना स्टार्टिंग हुआ? पांचवा पीढ़ी पोखरी खनवा कुछ समझ निकला। पांचवा पीढ़ी बाबा कहने का मतलब कुछ तो होगा, 20 साल, 25 साल, 50 साल कुछ तो बाबा होगा। पोखरी को खनाया वो निकले कुछ समय, वो निकले हैं बाबू बाबा प्रभावान लगभग 300 वर्ष पहले। तो 300 वर्ष पहले गौरी शंकर भगवान जी इस पोखर खुनाने के क्रम में निकले थे और आज यही विराजमान है और उसी समय से जग कल्याण हमारे रूपनाथ पंचायत जहाँ तक है वहाँ तक, माने जितने भी पूजा स्रोतगण हैं यहाँ पर उन सभी का कल्याण जो है ना, इस समझिए तो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से ये चल रहा है। बाबा, और इसके बारे में कुछ विशेषता? इसके बारे में है कि जब 74 में जयप्रकाश नारायण नोडल था ने, तो 74 में यहाँ हम नवयुवक सबको संगठन किए और यहाँ रहा जय शिव शंकर विधानसभा भंग कर, और वह विधानसभा शरफुद्दीन क्या नाम था विचर का, वे चीफ मिनिस्टर थे और उसी समय विधानसभा भंग हुआ है नहीं, उस समय से और ज़्यादा हम जेल जगह अरेस्ट में सरिया से हम आंदोलन में लग गए। जयप्रकाश का वॉलंटियर हो गए, फिर इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने के बाद हमको इनका सपना हुआ कि मत जाओ, उसमें आदमी ऊपर जाता है गिर जाता है धर्मनीति के नीति पर, तुम हमारा नित्य पूजा करो और नित्य आशीर्वाद लो, ये कभी कमने को नहीं है बढ़ने को है। और इनके कहने के अनुसार बढ़ता गया भगवान की कृपा, ये सेकंड लड़का है, बड़का है, मुकेश सरपंच है, इस प्रकार से 7 लड़के हैं, 7ों सब ठीक है। हम इस बार पटनी गुजर गई है तो ठीक है, डेढ़ मिनट रोक है जाना है, लेकिन इनके कृपा इनके सेवा करते रह गए हम। हमारा उम्र 74 वर्ष का हो चुका है, 84 वर्ष के, और इनका निर्दाव हम नहीं सकते हैं, फिर भी जहाँ तक होता है पूजा जो है जो चलता रहता है, कभी कभी आ जाते हैं, पूजा करते हैं। हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि इनके द्वारा इनको जो कहा हुआ है वह सत्य है, परम सत्य है, और दूसरे को भी जो कहा सैकड़ों को जो है पुत्र न होने वाला है हुआ, किसी को जो बीमारी है न होने वाला छूट गया तो छूट गया, विश्वास हो गया। वो नित्य 100-150 महिला पुरुष जल ढालते हैं, पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का जो मेरे चैनल पर आए और ये भोले बाबा के बारे में पूर्णतः रूप से बता दिए कि कब ये यहाँ पर विराजमान हुए और कब जो है ना इनका लोगों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया। ये बाबा का देन ही है जो आज गौरी शंकर भगवान आज हमारे यहाँ मौजूद है, नहीं तो ये कहीं और रहते। और यहाँ पर एक तीर्थ स्थान बन चुका है जो हर सावन के लास्ट दिन कलेजा घाट हो या रेवा घाट हो वहाँ से भक्त लोग जल अभिषेक करके यहाँ पर आते हैं और जल अभिषेक करते हैं और बड़े श्रद्धे से जो है ना लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। और चलते हैं एक और हमारे सर सामाजिक जुड़े हुए हैं, सर से हम थोड़ा बातचीत करेंगे कि सर क्या कुछ राय देते हैं समाज के बारे में और इस जग के बारे में। सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम ललन तिवारी है और इस यज्ञ के बारे में, यह तो इस क्षेत्र के उसके मठाधीश यही हैं गंगाधर झा जी, इनके अथक प्रयास से शुरू से इनके पैतृक चीज़ है, इनके पिता भी इनकी सेवा किए और ये भी जब से शुरू किए ये मनोकामना महादेव के रूप में रहे, जिसने सिर टेका मांग किया
उनकी आशा अभिलाषा भगवान पूरा किए और इनके गंगाधर जी का जो आशीर्वाद इसमें सबके साथ रहा। यहाँ के दिग दिगंत बसने वाले लोग अपने जीवन का मुख्य आधार परमात्मा के स्थल के रूप में मानते हैं। हर वर्ष श्रावण में मेला फर्स्ट में बीच बीच में इन्होंने महायज्ञ कराया। इस यज्ञ से पूरे क्षेत्र दिग दिगंत के लोगों की शांति मनोकामना भाईचारा सब एक हुआ जुटा और पूरे लोग श्रद्धा के नज़र से इस महंत गंगाधर झा जी को देखता है और मनोकामना भगवान के पास सभी अमीर गरीब छोटे बड़े सभी आकर उनके शरण में शरणागत होता है, इनसे आशीर्वाद लेता है और दिन दिन बढ़े सवाई इनके शरण में इनकी सेवा में जो आया है दिन दिन बढ़े सवाई। हमारे गंगाधर झा जी जो महंत हैं इनके सात पुत्र हैं, ये महादेव की कृपा से सातों चरित्रवान सज्जन विद्वान और देश के लिए सोचने वाला गरीबों के लिए सोचने वाला सबके लिए सोचने वाला समर्पित इससे महान पिता को हो सकता है किसको प्राप्त होगा और सब इस महादेव की कृपा से ही हुआ। कुछ कहना चाहते हैं? ये गंगाधर जो मेरा नाम पड़ा उसमें हमारे पिताजी के दो शादी किए, प्रथम से दिया पिता जो हुआ पत्नी सब मर गई, फिर दूसरा शादी किए इससे तीन लड़की जन्म ली, तो वो निराश होगा कि हमारा लड़का नहीं होगा। और जब उनको पड़ोसी से पढ़ाई से किसी से झंझट था तो कह दिया कि मरेंगे तो आग कैसे देंगे कौन देगा, तो उस वक्त तकलीफ हुआ। और उस समय ये बसवारी जंगल में भोला हुआ थे, वो आए और इनके नज़दीक बैठ करके आँख से आंसू बहाए, तो आंसू जब बहाए और कहे कि हे भोले अब इसके बाद कौन सेवा आपको करेगा, हम तो निराश हो रहा है। उसी साल उनको आश्वासन दिए कि जाओ तुम घबराओ मत नहीं, उसी साल हमारा जन्म हुआ, इसलिए हमारा नाम रखा गया गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव की शक्ति से इसलिए नामांकन गंगाधर हुआ। फिर कुछ दिन के बाद हमसे छोटे भाई का जन्म हुआ, उसका नाम रखा विद्याधर, तो विद्याधारण के बाद शिक्षक से रिटायर किया है। उसके बाद फिर एक भाई जन्म ले लिया, उसका नाम रखे कलाधर, जो कला को धारण करने वाला डॉक्टर डिकरिया थाना नजदीक उनका मकान है जाडी सिंधिया, ये मकान है उनका, तो उनका नाम रखे। तो हमारे पिताजी जब मरने लगे तो कहे गंगाधर ये हमारा तुम पुत्र नहीं है, तुम गौरी शंकर गए बाबा भावुक हो गए कि चलिए कोई बात नहीं है, बाबा अपना सारा जो है ना दुखरा सुनाए कि भगवान को अवस्थित करने में कितना कष्ट किए, ये जितना बच्चे को पालने में कष्ट होता है उतना भगवान को व्यवस्थित करने में बाबा अपना पूरा ज़िंदगी बिता दिए।